गाइस मैं हूं सासन आदरणीय दोस्तों आपको हमारा अपने रक्षित यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो लाइक शेयर कर दें दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कंटेंट अच्छा लगे तो चलते हैं दोस्तों पीएम मोदी साहब का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है पीएम मोदी इंटरव्यू टू वीडियो तो बहुत लेंथी है लेकिन इसको कोशिश करेंगे अगर आपको अच्छी लगे तो इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो देखते हैं पहले पार्ट वन अगर अच्छी लगे रिकमेंड कर दीजिएगा बहुत लेंथी तीन चार पार्ट में होगी अगर कंप्लीट करनी पड़ी तो देखते हैं दोस्तों वीडियो। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, एशियानेट सुवर्णा न्यूज़, एशियानेट न्यूज़, कन्नड़ा प्रभा और एशियानेटन्यूज.com से बात करने के लिए 2014 और 2019 में बहुत डिसाइसिव विक्ट्री मिली आपको, फिर से आप वही बात कर रहे हैं कि डिसाइसिव विक्ट्री इस बार बहुत ज़रूरी है और आप उसमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं। ग्रोथ स्टोरी और डिसाइसिव विक्ट्री का क्या मेल है? देखिए, पहली बात है कि लोकतंत्र में मैं तो चाहूँगा हर एक राजनीतिक दल में ये एस्पिरेशन होना चाहिए कि भाई हम चुनाव लड़े, लोगों का विश्वास जीते और सत्ता में आकर के हमारे जो उसूल हैं, हमारे जो रूल्स हैं, जो भी अपने सपने हैं उसको लागू करने का प्रयास करें। तो किसी भी राजनीतिक दल में अगर ये महत्वाकांक्षा ही नहीं है तो फिर लोकतंत्र के लिए ही ठीक नहीं है। तो लोकतंत्र की आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल जो भी है इनके मन में भाव रहना चाहिए कि वे कभी न कभी सत्ता में आकर के अपने विचारों के आधार पर देश की सेवा करेंगे। ये लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, देखिए 2014 में जब हम आए थे तब एक 5-6 दशक का कांग्रेस को राज करने का अवसर मिला और शायद उनको कोई विपक्ष जैसा कुछ था ही नहीं, इतना मीडिया भी नहीं था और न ही इतनी मीडिया में वाइब्रेंसी थी। यानी एक प्रकार से उनके लिए ऐसा खुला मैदान था और देश भी उनके साथ था, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के बाद जो भाव थे वो जो चाहते वो देश कर लेता, लेकिन वो मौका गंवा दिया और धीरे 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 डिटोरेशन पर आया। और उस परिस्थिति में 2013 में, जबकि मेरे पर एक आरोप था, इस आदमी को हिंदुस्तान का क्या पता है, इस आदमी को दुनिया का क्या पता है, ये सारे नकारात्मक मुद्दे होने के बावजूद भी लोगों ने हमें सेवा करने का अवसर दिया। और मैं कह सकता हूं कि 2014 वो उम्मीद का कालखंड था, लोगों के दिल में भी उम्मीद थी और मेरे मन में भी उम्मीद थी कि हम उनकी उम्मीदों को पूरा करें। और 5 साल में सरकार चलाना मतलब मैं शासन नहीं करता हूं, मैं सेवा करता हूं। सरकार चलाने का मतलब मैं पद पर बैठ करके मौज करने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं एक सामान्य नागरिक से भी ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करता हूँ लोगों के लिए। लोगों ने बड़े निकट से हमारी सरकार के कामों को देखा। 2014 में उम्मीद का वातावरण था, 2019 में एक प्रकार से विश्वास में पलट गया। जन सामान्य का इतना विश्वास उसने मेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास भर दिया। मुझे लगा कि हम सही दिशा में हैं, हम सबके लिए जो काम करने का सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का मंत्र लेके चले हैं उसको जमीन पर हम उतार पाए हैं। और उसका परिणाम ये आया कि 2019 का कालखंड एक विश्वास का कालखंड रहा और आज जब मैं 2024 में देशवासियों के पास गया हूं तो मेरा 13-14 साल का एक राज्य के मुख्यमंत्री नाते अनुभव, 10 साल का प्रधानमंत्री के नाते अनुभव और इसमें किए हुए कामों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं इस बार गारंटी लेके गया हूं। यानी कभी उम्मीद फिर विश्वास
और अब गारंटी, और जब गारंटी होती है ना तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और मुझे लगता है कि आज दुनिया में जो भारत का के प्रति भरोसा बना है, आखिर विश्व ने, हिंदुस्तान ने 30 साल तक अस्थिर सरकारों को देखा है, अस्थिर सरकारों ने देश का बहुत नुकसान किया है, विश्व में भी भारत का पूरी तरह देखने का नजरिया बहुत ही एक प्रकार से कोई वैल्यू ही नहीं था। लेकिन स्थिर सरकार क्या कर सकती है वो देश के मतदाताओं ने देखा है, और इसलिए मुझे लगता है कि 2024 ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही है, देश की जनता का इनिशिएटिव है। देश की जनता 10 साल के अनुभव के आधार पर निर्णय कर चुकी है, और इसलिए ये चुनाव का उस अर्थ में अत्यंत महत्व है। तो आप जगह जगह जा रहे हैं, मोदी जी सभाएं कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है आपको? तो रिएक्शन के ऊपर मैं सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से काम करता हूं, मैं संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, तो मैं माहौल को समझ पाता हूं। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन उस वाइब्रेशंस को समझ पाता हूं, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं जहां जहां गया हूं, और मैं कोई चुनाव के समय दौरा करने वाला इंसान नहीं हूं, मैं हफ्ते में नॉर्मली हर फ्राइडे सैटरडे संडे कहीं न कहीं जाता हूँ, सरकार के कामकाज करता हूँ, वो भी मैं जनता के बीच में करता हूँ, और उसके कारण मुझे बदलता हुआ माहौल वो सब उसका मुझे अंदाज आता है। और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ये जो एक तरफा वातावरण दिख रहा है वो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद पैदा नहीं हुआ है, ये पिछले 10 साल में निरंतर बढ़ता गया है, और लोगों का अप्रत्याशित समर्थन। दूसरी तरफ मुझे बताइए, सामान्य मतदाता, आप एक अगर मतदाता है तो आप मतदाता के नाते वोट करने जाएंगे तो क्या सोचेंगे? पहले तो आप सोचेंगे कि ये देश किसको दे रहा हूँ, किसके हाथ सुपुर्द कर रहा हूँ, तो आप जो भी लोग दिखते हैं कंपैरिजन करेंगे, फिर आप तक नहीं इनको देश उनको सुपुर्द कर सकते हैं, क्यों? तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जो बात बताते हैं और जो करते हैं, उन सब के आधार पर एक मन बनता है। दूसरा, उनके हमारे साथी कौन है, हमारी सोच क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, दूसरे स्टेज पर वो देखता है, औरों के कारनामे कैसे रहे हैं, अनुभव कैसा रहा है वो देखते हैं। दूसरा, इस बार के चुनाव का एक सद्भाग्य है कि 2014 में मतदाताओं को कंपैरिजन के लिए अवसर बहुत कम था, एक गुस्सा था मोदी को लाओ, अब उनके पास कंपैरिजन, अच्छा भाई वो ऐसा करते थे मोदी ऐसा करता है, वो ये गलती करते थे मोदी ये गलती नहीं करता है, वो ये बुराई करते थे मोदी नहीं करता है, और इसलिए अब कंपैरिजन के बाद वो नतीजे पर पहुंच रहे हैं, और इसलिए मैं उनकी आंखों में प्रेम तो देखता ही हूँ, आकर्षण भी देखता हूँ, लेकिन साथ साथ उनकी आंखों में जिम्मेवारी में देखता हूँ। वो जिम्मेवारी कहते हैं कि ये चुनाव हम जिताएंगे, मोदी जी आप शांत रहिए, आप चिंता मत कीजिए, ये मैसेजिंग। उम्मीद दिखाई दे रहा है लोगों में? उम्मीद से भी कोई कहीं अनेक गुना ज्यादा है, गारंटी, विश्वास गारंटी, दैट इज द प्रोग्रेस। आपकी अभी तक की सरकार बहुत ही 2014 से ही है टोटली एंटी करप्ट, कभी किसी ने कुछ लांछन लगाया, कभी कुछ लगता नहीं है। बिलीफ है कि आप बिल्कुल टोटली नॉन करप्ट गवर्नमेंट रन करते हैं, उसके बाद भी अभी जैसे ईडी के अरेस्ट वगैरह हुए हैं, कई लोग इसमें कहते हैं कि मिसयूज़ हो रही है सेंट्रल एजेंसीज आपके पॉलिटिकल रीजंस के लिए, एंटी करप्शन का है प्लैंक लेकिन इसके लिए हो रही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं 13 साल तक एक राज्य में भारी बहुमत के साथ सरकार चलाता था, तो अच्छा आर्थिक रूप से अच्छा राज्य, उसमें मैं सेवा करने का मुझे अवसर मिला, और पिछले 10 साल से यहाँ हूँ, तो लोग मेरे जीवन को भी देखते हैं, तो मेरे साथ वाले हैं वो भी मेरा जीवन देखते हैं, वो मेरे उसूलों को देखते हैं, और बाय एंड लार्ज हमारा तो यहाँ थोड़ा लीडर का अगर एक है कि भाई इन इन चीज़ों में मेरे वैल्यूज़ हैं, तो फिर कोई सर्कल के बाहर पैर नहीं रखता है। दूसरा, मैं प्रारंभ से मेरा एक आग्रह रखा है कि मेरी गवर्नमेंट पॉलिसी ड्रिवन होनी चाहिए, एडवोकेटिज्म नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में पॉलिसी रखो। पॉलिसी में गलती हो सकती है, लोगों को आलोचना करने का हक है, लेकिन जब पॉलिसी होती है ब्लैक एंड वाइट में होती है, तो किसी भी अफसर को इप्स एंड बर्ड्स का अवसर नहीं मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन का अवसर नहीं मिलता है, उसको ये मानना पड़ता है कि ये तो बाएं जाए या दाएं जाए, और इसके कारण जो नागरिक है उसको भी लगता है भाई ये मेरे हक का है मुझे मिलेगा, ये मेरे हक का नहीं नहीं मिलेगा, तो उससे एक विश्वास भी बढ़ता है। दूसरा, आपने देखा होगा हमने कुछ कदम भी उठाए, पहले रिक्रूटमेंट में क्लास 3 क्लास 4 के लिए सब इंटरव्यू होते थे, अब इंटरव्यू 30 सेकंड का होता था, मैं तो दुनिया में ऐसा कोई तेजस्वी तेपस्वी देखा नहीं कि 30 सेकंड में तय कर लेंगे ये अच्छा है और बुरा है, तो मैंने कहा नो इंटरव्यू, लोग अपना जो भी बायोडाटा है इसके आधार पर अप्लाई करें, और कंप्यूटर तय करेगा कि कौन योग्य लोग हैं, पहले 200 आएंगे कंप्यूटर से उनको ऑर्डर दे दो, हो सकता है 2-4 लोग हमारी अपेक्षा से भी कहा जाएंगे, लेकिन कम से कम उसको ये तो लगेगा कि भाई मुझे तो ट्रांसपेरेंसी से मौका मिला है, मैं अपनी क्षमता बढ़ाऊं, मैं अपना काम करूं, और आज उसके कारण लोअर लेवल पे ऐसी कोई चीज़, अब जैसे इनकम टैक्स असेसमेंट सबसे ज़्यादा शिकायतें रहती थी, करप्शन का अवसर तो वहीं होता है, हमने फेसलेस कर दिया, टेक्नोलॉजी कर दी, आज मुंबई की फाइल गुवाहाटी में देखी जाती होगी या चेन्नई में देखी जाती होगी या कोची में, किसी को मालूम ही नहीं है, और इसलिए वो मेरिट के आधार पर चीज़ें देखता है, तो लोगों का विश्वास भी बनता है और काम भी सर। सर्विसेज में हमने डिजिटल अप्रोच लिया, ह्यूमन इंटरवेंशन को हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अब जैसे हमारा जैम पोर्टल है, आप जैम पोर्टल पर आइए, सरकार को जो भी खरीदी करनी है जैम पोर्टल पर जाए, कोई कर और स्पीड भी होती है, क्वालिटी भी मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो ऑनलाइन मैकेनिज्म है, एक मल्टी फैसेटेड हमारी एक्टिविटी है, उन सारी चीज़ों का परिणाम है। अब जैसे हम किसी प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जाता है, तो बीच में कोई ना कोई पंजा तो खा ही जाता था, अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 रुपया भेजते हैं 100 पैसा पहुंचता है, तो सामान्य मानवी को भी लगता है मेरे हक का मुझे मिलेगा, तो उसके कारण अब मुझे बताइए कोरोना के इतने बड़े संकट में भी देश पूरी तरह सरकार के साथ क्यों रहा, उसको विश्वास था कि संकट बड़ा आया है लेकिन ये भी हमारी तरह मेहनत करते हैं तो इसका फायदा होता है। तो ईडी और सीबीआई के मिसयूज के बारे में कुछ सवाल उठ रहे थे, मैं हैरान हूं जी कि कोई भी, अगर मान लीजिए रेलवे है, रेलवे में टिकट चेकर का एक पोस्ट है, अब कोई ये कहे कि भाई ये क्यों चेक करता है टिकट, क्या हम बेईमान है क्या, टिकट चेकर का दायित्व है कि टिकट चेक करना चाहिए उसने, वैसे आपने ईडी बनाया क्यों, सीबीआई बनाया क्यों, ये उनका दायित्व है, सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनमें अड़ंगे नहीं डालने चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना देना चाहिए, जैसे एक टिकट चेकर को करने देते हैं उसको भी करने देना चाहिए। दूसरी बात है, आखिर ईडी ने काम क्या किया है, ईडी ने करप्शन के खिलाफ मामले किए, अब हर प्रकार के होते हैं, सरकारी बाबुओं के होते हैं, ड्रग्स माफियाओं के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं,
इसमें सिर्फ 3% वो लोग हैं जिनका राजनीतिक जीवन है या राजनीति से जुड़े हुए लोग, 3%। 97% वो लोग हैं जो बेईमानी में कहीं न कहीं धरे गए हैं। कई अफसर घर गए हैं, कई अफसर जेलों में पड़े हैं, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। कि अगर देश में करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए एक संस्था को जन्म दिया आपने, वो तो पुरानी सरकारों ने दिया है, हमने नहीं बनाई है। वे अगर काम न करे तो सवाल पूछना चाहिए, काम करे इसलिए सवाल पूछा जाए, ये लॉजिक बैठता नहीं। अच्छा, 3% सिर्फ हैं जिनको अभी तक ईडी पहुंची है, 97% दूसरा है। दूसरी बात है, भ्रष्टाचार से जब रुपया पैसा का न्याय होता है ऐसा नहीं। मान लीजिए एक ब्रिज है, भ्रष्टाचार के तहत ऐसे ही किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और ऐसे ही उसने ब्रिज बना दिया और कुछ साल में वो ब्रिज गिर गया, मुझे बताइए कितना भयंकर नुकसान होगा। उसी प्रकार से एक सामान्य नागरिक, बड़ी मेहनत करके उसने अपनी एग्जाम पास की, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी सिफारिश नहीं है इसलिए उसको हक नहीं मिलता और किसी फालतू व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। यह असंतोष जो है वो देश में लंबे समय तक नहीं चलता है। दूसरा, ईडी ने 2014 से पहले पीएमएलए, जिसके अंतर्गत ईडी ऑपरेट करती है, 1800 से कम उन्होंने केसेस किए थे। अब देखिए, जबकि उनको काम करना था, जबकि उस समय तो सरकार पर बहुत आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, 1800 किया। 2014 के बाद हमने 10 साल में हमारे यहाँ कारखंड में ईडी ने 5000 से ज़्यादा केसेस किए हैं। ये उसकी एफिशिएंसी है, उसकी एक्टिविटी दिखाता है। 2014 से पहले ओनली 84 सर्चेज कंडक्ट की गई थी, ओनली 84। इतना बड़ा डिपार्टमेंट सोया पड़ा था। 2014 के बाद 7000 सर्चेज हुई है, 2014 के पहले, यानी उनके 10 साल में करीब 5000 करोड़ रुपीज की प्रॉपर्टी अटैच की गई थी। 2014 के बाद 1,25,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। ये देश की संपत्ति है जी। अब मुझे बताइए, ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या बताता है? ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है एफिशिएंसी, बड़े स्केल पर एक्टिविटी और स्वतंत्र रूप से। अगर हम देश में करप्शन हटाना चाहते हैं तो आपको जो संस्था जिस काम के लिए बनी है उसको आपने काम करने देना चाहिए। पॉलिटिशियनों ने ऐसी संस्थाओं को अंदर अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और इसलिए भले मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं ईडी के काम के अंदर रुकावट डालूं। क्लियर फोकस साउथ दिखाई दे रहा है मोदी जी, दक्षिण के राज्यों के ऊपर फोकस दिखाई दे रहा है आपका, मगर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव घटे और आपने बहुत जमकर प्रचार किया, नतीजे उतने आप जैसे चाहते थे उतना ऐसे नहीं आए। तेलंगाना का ऐसे हुआ, अब 131 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आते हैं उनमें से 50 से ज़्यादा जीतने की उम्मीद रख रहे हैं, पॉसिबल लग रहा है? हमारे देश में एक नैरेटिव बना दिया गया बहुत समय से कि भाजपा यानी अपर कास्ट की पार्टी, रियलिटी ये है कि भाजपा में सबसे ज़्यादा एससी हैं, सबसे ज़्यादा एसटी हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसी, ये सारे हमारे सबसे ज़्यादा मेरे मिनिस्ट्री में ओबीसी हैं। फिर बना दिया कि भारत अर्बन पार्टी है। आज मेरी पार्टी का पूरा कैरेक्टर ऐसा है कि जिसमें ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा है। फिर भाजपा का एक कैरेक्टर बना दिया कि ये तो बहुत ही पुरानपंथी पार्टी है, नया सोच ही नहीं सकती। आज डिजिटल मूवमेंट का नेतृत्व तो पूरा कर दुनिया पे कोई करता है तो बीजेपी रूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये जो भ्रम फैलाए हुए हैं वो गलत है। दूसरा, आप तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में हमारा जो वोट शेयर था, आज हमारा वोट शेयर डबल हो चुका है। 2019 में
पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए ये लोगों को जानकारी दीजिए आप, 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में साउथ में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं। 24 भी होगी और मैं मानता हूं ये पहले की तुलना में वोट शेयर तो बहुत बढ़ेगा, सीटें भी बहुत बढ़ेगी, ये मैं मानता हूं। दूसरा, साउथ में जो सरकारें हैं उनकी पहचान क्या बन गई है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एलडीएफ हो, चाहे डीएमके हो, सब जगह पर क्या पहचान है। आज हम पुडुचेरी में सरकार में हैं, पुडुचेरी साउथ में है, पता होना चाहिए हम सरकार में हैं। और आप अंडमान निकोबार, हमारा सांसद जीत करके आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे साउथ इंडियन भाई भी रहते हैं और बंगाली भाई भी रहते हैं। और इसलिए ये जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, अब इनकी सरकारों का तरीका क्या है, पूरी तरह ये फैमिली रन सरकारें हैं, भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार है जी। अब आप देखिए वहाँ हाल क्या है साउथ में, कांग्रेस के युवराज उत्तर से भाग करके दक्षिण में आश्रय लिया, उन्होंने वायनाड में निकल गए। इस बार उनकी हालत यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारीख को वायनाड का पोलिंग हो जाएगा, वे किसी और सीट की घोषणा उनके लिए होगी, वो दूसरी सीट की तलाश में है, ये पक्का लिख के रखिए मेरे शब्द। और मैंने एक बार घोषणा की थी पार्लियामेंट में कि उनके बड़े बड़े नेता अब लोकसभा लड़ने वाले नहीं है, वो राज्यसभा में जाएंगे, और मेरे कहने के एक महीने के बाद उनके सबसे बड़े नेता को राज्यसभा से आना पड़ा, लोकसभा छोड़ देनी पड़ी। तो ये पराजय पहले से स्वीकार कर लिया है जी, और इसलिए मैं इस बार पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि, और मैं जब ये राम मंदिर को लेकर के मेरा अनुष्ठान चल रहा था, और जब मैं साउथ में अनुष्ठान के समय गया तो मैं देखा कि वहाँ पर जो लोगों का प्यार मैं देख रहा था, लोगों का विश्वास देख रहा था, वो मैं मानता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड था। और मैं पक्का मानता हूँ कि जो मिथ है वो टूटेगा, बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर भी मिलेगा, और इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रतिनिधि संसद में मेरे साथ काम करने के लिए आएंगे, वोट शेयर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। कर्नाटक से आता हूँ मैं, और कर्नाटक के बारे में ही सवाल, कर्नाटक के कांग्रेस सरकार इस पर निर्भर है कि उन्होंने 5 गारंटी दिए हैं, 2,000 रुपये महिलाओं को जाती है, ये सब गारंटी स्कीम्स फ्रीबीज आप कैसे देखते हैं मोदी जी? और इसमें खाली ये, क्या इंडिया ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट कर सकती है ऐसी फ्रीबीज? कैन इंडिया अफोर्ड सच फ्रीबीज? और इस बार लोकसभा चुनाव में 1,00,000 रुपए हर महिला को और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं, हाउ डू यू सी दिस? ऐसा है कि उनकी क्या मजबूरी है वो जाने, निराशा की गर्त में डूबे हुए राजनीतिक दल हाथ पैर मारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मेरी बात बताता हूं, देखिए मुझे लंबे अरसे तक गुजरात में एक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला है, और 10 साल से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने काम करने का मौका दिया है। मेरा पास इतना लंबा अनुभव है, और मेरा अनुभव है कि हमने कभी भी हमारे देश के नागरिकों के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने एक बार लाल किले से कहा कि भाई जो अफोर्ड कर सकते हो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। इस देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आए जिन्होंने गैस की सब्सिडी छोड़ दी, यानी मेरे देश के लोग, किसी समय हम सारे कहते थे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा खाना छोड़ो, खाना छोड़ा था,
आज भी मेरा देश, मेरे देश के नागरिक हमसे ज्यादा देश को प्यार करते हैं, हमसे ज्यादा देश के लिए करने को तैयार है जी। हम कम से कम उनको कम न आके, अब देखिए कोविड के समय मैंने पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट की सांसदों को कि भाई आपकी सैलरी छोड़ दीजिए। मेरे देश के सांसदों को कभी कभी लोग कान पकड़ते हैं कि तुम अपना तनख्वाह बढ़ा दे, मेरे देश के सांसदों ने अपनी सैलरी छोड़ दी थी। ये सारी चीजें हैं जो प्रेरणा देती हैं। गरीब की हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, इस देश के नागरिक की हैंड होल्डिंग चाहिए। और हमारा मॉडल है देश के हर नागरिक को एम्पावर करना, गरीबों को विशेष रूप से एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। और देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आप सिस्टमेटिक जनता पर का बोझ कम करना है, सरकार का दायित्व है, ये कोई उपकार नहीं है, हमारा का दायित्व है। लेकिन उसके तरीके क्या, जैसे हमने जन औषधि केंद्र खोले, करीब 11,000 जन औषधि केंद्र खोले हैं और मैं 25,000 तक ले जाना चाहता हूं। जन औषधि केंद्र में करीब 2,000 दवाइयां मिलती हैं, करीब 300 से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट मिलते हैं और 80% डिस्काउंट। मतलब आपके परिवार में बुजुर्ग हैं और आपके परिवार के बुजुर्ग को अगर महीने का 2,000-3,000 की दवाई लगती है तो मध्यम वर्ग के परिवार पर बहुत बड़ा बजट पर एक आज 80% डिस्काउंट हो गया तो उसको भी लगता है माँ बाप की सेवा करूँगा। अब देखिए बिजली बिल, बिजली बिल कम करने के लिए मैंने एलईडी बल्ब योजना लाई। जो एलईडी बल्ब कांग्रेस के जमाने में 400 रुपये मिलता था वो मेरे जमाने में 40 रुपये आ गया। एलईडी बल्ब के कारण उसका 20-30% बिजली का बिल कम हो गया। और अभी मैं पीएम सूर्य घर योजना लेके आया हूं, आप सोलर पैनल लगाइए, जीरो बिजली बिल। इतना ही नहीं, आगे का कालखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाला है तो आप सोलर एनर्जी से अपने घर के बिजली का उपयोग करिए और आपके व्हीकल को भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग कर सकते हैं उसी से। इसका मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन भी जीरो बजट वाला हो सकता है। अब ये एम्पावरमेंट भी है, एट द सेम टाइम उसके सर पर आर्थिक जो बोझ है वो कम करने का लगातार प्रयास। और इन सर प्रोजेक्ट का परिणाम क्या आया है, पहले गरीबी हटाओ के नारों पूरा 5 दशक तक सुने हैं, पहली बार देश सुन रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये एम्पावरमेंट से होता है। देश का सामान्य नागरिक बहुत सामर्थ्यवान है, मेरा देश के सामान्य नागरिक पर ज्यादा भरोसा है। आप क्योंकि आप जनौषधि केंद्रों पर बोले, एक वीडियो देख रहा था मैं, कोई बुजुर्ग खड़े होके बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस था आपका, 5,000 रुपये पहले औषधि का खर्च आता था, अब 1,600 रुपये कम हुआ है और मैं बचे हुए पैसों से फल खा पा रहा हूँ। आप भी बहुत भावुक हुए थे, बात करते करते बहुत भावुक हो गए थे आप। लगता है ऐसे बहुत सुकून देते हैं ऐसे योजनाएं। Yeah, I'm from Kerala and more interested in Kerala. You seem to be more focused in Kerala than previous years. And whenever you come to Kerala, you focus on the cooperative sector and the looting of public money. It is, can I expect some actions or? पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जमाने से हम पूरे देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के हर हिस्से की सेवा करने। राजनीतिक फायदा हो वहाँ करो काम, राजनीतिक फायदा न हो वहाँ न करो काम, ये हमारे सिद्धांत नहीं है। 1967 में जनसंघ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन केरल में हुआ था। क्या मतलब, हमारे लिए केरल सत्ता पाने के लिए एक मैदान है ऐसा नहीं है, हमारे लिए केरल भी वैसे ही सेवा क्षेत्र है और हम सेवा करते हैं और हम उतने ही लगन से पहले से कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गोलियों से भून दिया गया है, पॉलिटिकल मर्डर किए गए हैं, उसके बावजूद भी हम आज भी वहां सेवा, मां भारती की सेवा करने के भाव से कर रहे हैं। और लेप की कैडर पर अदालतों ने सजाएं फरमाई हमारे लोगों की हत्याओं के खिलाफ, कई लोग उनके जेल में हैं। तो उसके बावजूद क्यों, हम
हमारे लिए कच्छ हो या गुवाहाटी, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हमारे देश का हर कोना हमारा है और इसलिए हम करें। दूसरी बात है, आपने देखा होगा त्रिपुरा किसी जमाने में लेट 3-4 दशक तक उनका था, जैसे ही बीजेपी आई तो लोगों को पता चला भी ये तो लूटते थे। त्रिपुरा में बीजेपी इतना अच्छा काम करे लोगों के, और बार बार बीजेपी को अब त्रिपुरा में लोग जिताने लगे हैं। वैसा ही बंगाल केरल के अंदर इतना भ्रष्टाचार की गंध भरी पड़ी है, लेकिन व्यक्ति इकोसिस्टम ऐसी बनाई हुई है कि कोई चीज बाहर आने नहीं देते हैं। और इसलिए इस चुनाव में जब गया मैं कोऑपरेटिव को लेकर के इसलिए बोला हूं कि ये सामान्य मानवी के साथ बहुत बड़ा क्राइम है, ये इसको माफ नहीं किया जा सकता। गरीब परिवार बैंक में पैसा रखता है ना, तो उसको लगता है चलो ब्याज यहाँ ज़्यादा मिलेगा, तो उसको लगता है कि भाई पैसा रखता हूँ तो बेटी बड़ी होगी तो शादी करवा लूँगा, और बड़ी मेहनत से वो कमा करके उसके पैसा रखता है। फिशरमैन के पैसे हैं, किसान के पैसे हैं, मजदूर के पैसे हैं, और करीब 300 कोऑपरेटिव बैंक है जो पूरी तरह ये लेफ्टिस्ट लोग चलाते हैं, और करीब 1,00,000 करोड़ रुपया केरल के गरीबों का, सामान्य मानवीय का उसमें पड़ा हुआ है। अब आप उसमें देखिए कि इन्होंने क्या किया, उसके संचालन करने वालों ने उनके पैसों की चिंता नहीं की, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद कर ली। अभी एक बैंक में हमने जो कार्रवाई की तो उसमें करीब 90 करोड़ रुपए हमने अटैच किया है, और मैंने अभी लीगल एडवाइज में ले रहा हूँ कि ये जो 90 करोड़ रुपए हैं जिनके पैसे बैंक में थे इनको वापस कैसे मिले। मैंने ईडी से भी आग्रह किया कि भाई हम देना शुरू करें और जो लूट रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच करें। हमने अब तक 17,000 करोड़ रुपीस जो इस प्रकार से पकड़े थे वो संबंधित जिसका था उसको वापस किया है 17,000 करोड़ रुपीस। और इसलिए मैं केरल में इन 300 बैंक का जो घपला इन्होंने किया है, अरबों खरबों रुपयों की, ये जो 1,00,000 करोड़ रुपया, ये छोटी अमाउंट नहीं है, गरीब है, और मैं मानता हूँ उसको मैं गंभीरता से मैंने लिया है, और ये मेरे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, सामान्य मानवीय के जीवन का मुद्दा है जी। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन बिटवीन दिस नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड इट्स अलेज्ड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज शोइंग अ स्टेप मदर एटीट्यूड टू द सदर्न स्टेट्स लाइक कर्नाटक एंड केरला। केरला हैज आल्सो फाइल्ड अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक में गवर्नमेंट आपके ऊपर आरोप लगाती है कि जितना टैक्स हम देते हैं उसमें से बहुत कम हमें वापस मिल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सेपरेट नेशन करने की। पहली बात है कि हम सब माँ भारती के कल्याण के लिए, हम सबका दायित्व है, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, 140 करोड़ देशवासियों के हमारा जिम्मा है। व्यवस्था के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग काम मिले हैं, लेकिन हम सबका लक्ष्य, भारत सरकार का भी लक्ष्य ये होना चाहिए कि केरल के भी किसी गांव के व्यक्ति को सुविधा के लिए जो योजना बननी चाहिए उसको मिलना चाहिए, कर्नाटका के भी किसी व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। तो ये हमारी मूलभूत संविधान का स्पिरिट यही है हमको। अब मुझे बताइए, हिमालय से नदियां निकल रही हैं और हिमालय के जो राज्य हैं वो कह दे कि पानी कहीं किसी कोई मालिक नहीं है तो मेरी मालिकी है, तो देश चलेगा क्या? कोयला की खदानें हमारी एक स्थान पर है और हम कह दें कि हम मेरे यहाँ से कोयला बाहर नहीं जाएगा तो और राज्य अंधेरे में डूब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सोच ठीक नहीं है जी। ये संपत्ति सब देश की है, कोई हम उसमें से मालिक नहीं है। दूसरी बात है, ये व्यवस्थाएं संविधान में निर्धारित नियमों से चलती है, कोई सरकार अपनी मर्जी से नहीं करती है। जब 14th फाइनेंस कमीशन आया उसने एक ऐसा बड़ा जबरदस्त निर्णय किया, पहले 32% डिवोल्यूशन था,
उन्होंने 42 कर दिया। अब सब तरफ से मेरे दबाव था, साहब 42 कर ही नहीं सकते, देश चल नहीं सकता है, आप सरकार चला नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे। और सरकार को हक है उसमें से 10 में से 5 चीज़ें लेनी, 3 लेनी, 2 लेनी, 10-10 लेनी, न लेनी, सरकार के पास अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है। लेकिन जब मेरे सामने आया, मैंने कहा भाई मैं जानता हूँ, अफसरों ने कहा साहब ये तो बहुत मुश्किल होगा, भारत सरकार चला रही मुश्किल होगा, इतना डिवोल्यूशन हो जाएगा। मैंने कहा जी नहीं, ये मेरा प्रारंभ है, मुझे राज्यों को पर भरोसा है, राज्य भी अच्छा करेंगे, पैसे जाने दो राज्यों के पास। और हमने 32 का 42 वैसा का वैसा फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को स्वीकार किया। अब यूपीए के कालखंड में मनमोहन सिंह जी जब थे और रिमोट सरकार चलती थी, तब कर्नाटका को डिवोल्यूशन का 10 साल में 80,000 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने करीब करीब 3,00,000 करोड़ रुपए दिए हैं। केरला यूपीए के समय 46,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, हमारी सरकार ने 1,50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब ये आंकड़े तो बताते हैं, तमिलनाडु यूपीए के समय तमिलनाडु को 95,000 रुपए, तब की वो सरकार में पार्टनर थे, ये केरल वाले भी सरकार में दिल्ली में पार्टनर थे, हम नहीं बैठे थे, वो बैठे थे। उस समय करीब 95,000 करोड़ रुपया तमिलनाडु को मिला था, आज करीब करीब 3,00,000 करोड़ यानी 2,90,000 करोड़ रुपीज तमिलनाडु को मिला है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये झूठ फैलाया जा रहा है राजनीतिक स्वार्थ के लिए, नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है, कोई भी जिम्मेदार। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ बैठी है, जो नेशनल पार्टी है, जो 5-6 दशक तक देश चला चुकी है और ऐसी हरकतें और ऐसी गंदी प्रवृत्तियों में हिस्सेदार बन गई है। आपने अभी जिस तरह बात की, आपने समझाया कि फैलाया जा रहा है, वो ईस्ट वेस्ट डिवाइड की आजकल बहुत ही ज़्यादा बात होने लग गई। आपने देखा है कर्नाटका में एक एमपी ने तो खड़े होकर कुछ कहा, जैसे कि देश के बंटवारे की बात होने लगती है। आप इस तरह के बिल्कुल अजीब सी और इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? हाउ डू यू वॉन्ट टू हैंडल सच स्ट्रेंज कॉमेंट्स दैट पीपल मेक? पहली बात है, देश के राजनीतिक दल भारत के संविधान को समर्पित होने चाहिए और भारत का संविधान हम सबको देश की एकता और अखंडता का दायित्व देती है। अगर कोई इस प्रकार से प्रवृत्ति करता है, उसको उस राजनीतिक दलों ने बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और कभी कभी लगता है कि कोई एक आध बार बोल गया, ये जो बीज है ना, पता नहीं कब कौन सी ताकत आकर के उसको खाद पानी डाल करके वटवृक्ष बना देंगे। तो तत्कालीन स्वार्थ के लिए ऐसी भाषा से बचना चाहिए, ऐसे इरादों से बचना चाहिए और ये देश को बहुत बड़ा नुकसान। कोई भी सरकार रहे, ये भाषा कभी भी लाभ नहीं करेगी जी। मैं जब गुजरात में था, मेरे साथ बहुत से अन्याय होते थे जी, केंद्र सरकार से हर प्रकार के अन्याय हुए थे, लेकिन मेरा एक ही मंत्र रहता था और पब्लिकली रहता था, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हम सब मिलकर के इस देश को बहुत आगे बढ़ाना है, तो इसमें हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और कर्नाटक में सूखा पड़ा है सर, ऐसे मामले अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने लगे हैं, सूखा पड़ा है और जैसे फंड्स केंद्र सरकार से जो आने चाहिए नहीं आए हैं, ऐसे करके रिट पिटीशन डाले हैं और चर्चा बहुत हो रही है कर्नाटक से, हुआ क्या है मोदी जी? देखिए, ये हमारे समय से नहीं, लंबे अरसे से कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित हो चुकी हैं। देखिए, कोई भी आपदा उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, किसी भी इलाके में आपदा हो, कैलेमिटी हो, उसको अत्यंत संवेदनशीलता के साथ गंभीरता से लेना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ की सरकार है भुगतेगी, जी नहीं, आपदा आती है, कैलेमिटी आती है, तो सरकार तो बाद में सबसे पहले नागरिक परेशान होता है,
और हम सबका जिम्मेवार नागरिकों के प्रति है, और इसलिए ये राजनीति खेल का मैदान ही नहीं है, होना नहीं चाहिए, ये अत्यंत संवेदनशील है। दूसरा पद्धति क्या है, SDRF 900 करोड़ रुपए का फंड ऐसी कैलेमिटी के लिए, केंद्र सरकार का हिस्सा समय पर उनको जा चुका है, ये कोई बकाया नहीं है। दूसरा, एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जब जैसे विशेष कैलेमिटी आती है, चाहे बहुत बाढ़ आ जाए या चाहे ड्राउट हो या चाहे कोई और बात हो, तो वो एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम होती है, जो भी सभी सरकारों की परंपरा है, ये कोई मेरी सरकार की परंपरा है, वो वहाँ जाती है, अफेक्टेड एरिया में जाती है, वो उसका सर्वे करती है, दौरा करती है, सरकार अपना पिटीशन देती है, फिर एक कमेटी होती है जिसमें पॉलिटिशियन नहीं होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वे मिलकर के जायजा लेते हैं। अगर ऐसी विशिष्ट परिस्थिति आई जो 900 करोड़ के उपरांत भी कोई जरूरत है तो उसको दिया जाता है। भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि भाई ऐसे संकट के समय हम और अधिक मदद करना चाहते हैं, इलेक्शन हमें कमीशन को परमिशन दे, लेकिन राजनीतिक हथियार के फायदा ले गए। आजकल फैशन हो गई है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अड़ंगे डाल दो, अब केरल के लोग गए थे, कैसी उनको डांट पड़ी है जी, कैसी बेइज्जती हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कैसा उनको लताड़ दिया। अब ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कुछ भी कर लो, बात ये सत्य बताओ लोगों को। और मैं मानता हूँ ये मीडिया का काम है कि हकीकतों को सच्चे अर्थ में लोगों के साथ। वीडियो काफ़ी लेंथ ही है तो दोस्तों इसको करेंगे पार्ट्स में, अगर आपको दोस्तों ये पार्ट अच्छा लग जाए कि 1 घंटा और 22 मिनट की वीडियो थी, 22-23 मिनट की जो भी है, तो ये सारी तो ज़ाहिर बात इतनी देर बैठा भी नहीं जाता, और ज़ाहिर बात है आप भी इतनी लंबी वीडियो में बोर हो जाएंगे तो बातें भी याद नहीं रहती। अभी जो पॉइंट्स ने ज़्यादा मोदी साहब ने बोल दिए हैं, पहला उनसे सवाल किया गया कि आप डिसीज रिविजन का आपकी जो जीत हुई है 2019 में जो आपकी जीत हुई थी, मतलब कि आपके कामों की वजह से हुई थी या आपके मतलब एक और किसी वजह से, उन्होंने कहा कि लोग जो फिर मोदी साहब पूरी डिटेल के साथ बात की, कम से कम 9-10 मिनट इस एक टॉपिक पर वो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखें लोग, हमारी जनता जो है वो पढ़ लिख गई है, यानी कि हमारे लोग बाशऊर हो गए हैं, हमारे लोगों का इतना अब शऊर आ गया कि वो डिसाइड कर लेती है या वो देख लेती है कि हमने किस साइड पे जाना है या किस साइड पे नहीं जाना। तो उस वजह से उन्होंने मेरे देखे हैं काम, मेरे साथ में जिताए एतमाद, और मेरे अंदर उस एतमाद की वजह से डबल और 3 गुना 4 गुना एतमाद मेरा भी बड़ा, साथ में मेरी आवाम का भी पड़ा है। उन्होंने कहा अब जी जो वोट डाला जाएगा ना, या जो बीजेपी को वोट मिलेगा, ये वोट ना मोदी साहब को मिलेगा ना बीजेपी को मिलेगा, बल्कि उस विश्वास और उस एतमाद को मिलेगा जो लोगों का हमारी पार्टी ने, हमने जीतने की कोशिश की है, और लोग आज हम पर एतमाद करते भी हैं, और उस एतमाद की वजह से हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मोदी साहब ने बल्कि इंडियन आवाम का एतमाद नहीं जीता, मोदी साहब ने पूरी दुनिया के लोगों का, प्रेजिडेंट्स का, PMs का एतमाद जीता है। आपको शायद याद होगा कि अभी रिसेंटली ईरान ने PM मोदी साहब के लिए एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर मोदी साहब मेडिएटर बनते हैं तो ठीक है, हम बात करने के लिए कुछ तैयार हैं। इसी तरीके से आपको यह भी याद होगा कि रशिया यूक्रेन की जब वार स्टार्ट हुई थी, अपने पीक पर वार थी, तो उस वक्त भी मोदी साहब के कहने पर पुतिन साहब ने एक मतलब वार भी रुकवाई थी, और इंडियन के तिरंगे के नीचे पाकिस्तानी लोग भी निकले थे, ये भी शायद आपको याद होगा। और इंडियन गवर्नमेंट ही वो पहली गवर्नमेंट थी जिन्होंने एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके के साथ यूक्रेन से अपने लोगों को निकाला था, बाकायदा एक ऑपरेशन, एक किस्म का ऑपरेशन शुरू किया था। तो इसमें तो कोई दो राय, कोई अगर इस पर इख्तलाफ करता, मैं कहता हूँ वो फिर मंदबुद्धि है, क्योंकि लाशौरा है, ये तो कम अकल है। इंडिया की आवाम है उनको तो बिल्कुल बुरा पता है कि 2014 से लेकर 2024 तक मेरे ख्याल में शायद किसी और गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा इंडिया को तरक्की ना दी हो जितनी मोदी साहब के दौर में हुई है। और लोग तो देखते ही भाई ये डेवलपमेंट देखते हैं,
और उनके दौरे हुकूमत में जितना मुल्क आगे बढ़ता है उस चीज़ को देखते हैं। तो मैं कहता हूं कि जैसे मोदी साहब ने भी कहा है कि भाई ये बीजेपी का इलेक्शन नहीं है, उनकी पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये अवाम का है। अवाम ने जो है ना वो बताना है कि मोदी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, और हकीकत में उन्होंने भाई चार चांद लगाए हैं इंडिया को जब से वो आए हैं, और तब से इंडिया देख लें कि हर सेक्टर में, ये नहीं है कि कोई एक आध सेक्टर है, हर सेक्टर में उन्होंने तरक्की की है यार, और ये उनकी तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। देखिए कि सेक्टर की बात छोड़े ना, अगर उनके करैक्टर की बात करें ना, या जिस तबके से वो बिलोंग करते हैं, जिस खानदान से, जिस सोसाइटी से, क्योंकि उनको पता है कि एक आम जो इंसान है, एक आम शहरी है, उसके क्या मसाइल होते हैं, तो वो उसको जानते हैं। यही बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में डिस्कस किया ना, उन्होंने कहा है कि इसको लोग कह रहे थे कि इसको मोदी को क्या पता, ना इधर का पता ना उधर का पता, इसने हुकूमत कैसे करनी है चलानी है। देखें कि उस उनको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो उस माहौल से ऊपर उभरे हैं, और वो अपने लोगों को जो मुश्किल होती हैं वो दूर उनका उनका ब्रीक बिजनेस उनको पता है कि कैसे लोगों की, एक आम इंसान की कौन सी मुश्किल होती है, क्योंकि शुरू से वो भी ऐसे ही थे और आज देखने कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। फिर करप्शन पर बात हुई, करप्शन भाई मेरा जो अपनी राय है, करप्शन आज भी इंडिया में है, टोटली खत्म नहीं हुई। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो कमो बेश 70% अभी ठीक हो चुका है, लेकिन 30 से 40% अभी भी इंडिया में करप्शन है, और ये ख़त्म नहीं हो सकते, इसको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। हाँ, मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जा सकती। पीएम मोदी को पर्सनल तौर पर उनकी अगर पार्टी की बात करें या उनकी पर्सनल लाइफ अगर हम चेक करें तो हम ये भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जितने तकड़े वो पीएम हैं उनके पास तो लैम्बर्गिनी और पता नहीं क्या क्या होने चाहिए थे, बंगले होने चाहिए थे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमने हमारी नज़रों से तो भाई नहीं गुजरी। पता नहीं मोदी साहब ने खुफिया रखा हो तो पता नहीं, लेकिन ऐसी हमने आज तक कोई ना कोई रिपोर्ट देखी है पीएम मोदी साहब की वेल्थ, और हमारे जितने पीएम गुजरे सिवाय इमरान खान के, हमारे जितने पीएम गुजरे उनके लंदन में जायदाद हैं, उनके स्विस बैंक्स में अकाउंट्स अरबों डॉलर है, जुल्फकार भुट्टो साहब के अभी सब के, उनके भी वो भी करप्शन करते थे, उन्होंने करप्शन कहा कि ये सारे काम किए हैं। और क्या, एक खान जो है ना ये वह पाकिस्तान लीडर है जो अपना पैसा बाहर नहीं ले गया, बल्कि बिरूने मुल्क से पैसा पाकिस्तान में लाया, जिसकी जिंदा और जीती जागती मिसाल शौकत खानम हॉस्पिटल है। जब इन्होंने ये फंड रेजिंग शुरू की थी ना ये मुहिम, तो पूरी दुनिया से जो पाकिस्तानी थे या दूसरे लोग कोई भी जो चैरिटी करना चाहते थे इंसानों के लिए उन्होंने की, और ये वह पाकिस्तान का लीडर है जिन्होंने हिस्ट्री चेंज की है। बाकी अदरवाइज पाकिस्तान के तो जो भी लोग थे, जितने पीएम हुए या प्रेसिडेंट हुए, ज़्यादातर 90% 95% लोगों ने करप्शन करके अपनी जायदादें बनाई हैं। और इसी तरीके से अगर इसी पैरामीटर में पीएम मोदी को लें तो मोदी साहब की कोई जायदाद में नजर आती, कोई महल नहीं नज़र आता। इमरान खान का तो फिर भी वो बनी गला है, या वो क्या है शौक यार लाहौर में कौन सा था, जमान पार्क, और वो भी उनकी अबाउजदाद की पुरखों की है अपनी, उनकी फिर भी नहीं है। बनी गाला के बारे में कहा जाता है क्या, पीएम मोदी का तो वो भी मैंने नहीं सुना, अगर है तो भाई मेरे इलम में नहीं है। तो करप्शन प्रश्नित तौर पर पीएम मोदी के बिल्कुल नाम के बराबर, बल्कि मुझे नहीं लगता कोई होगी। फिर भी मैं एहतियात से बोल रहा, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता है। उसके बाद इंडिया के अंदर करप्शन भी है आज भी, जो बात सच है वो सच होनी चाहिए, और यकीन इस पर काम ज़रूर किया है, ना खाया है ना खाने दिया है, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। फिर बात आ गई दूसरी पॉवर्टी की, तो मुझे साहब ने कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को, क्योंकि पूरा पाकिस्तान एक बनता है, कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आए हैं। बिल्कुल, ये तो हमें, और ये सामने वाले जो हमारे सामने बात होस्ट थे वो भी इस चीज़ का इतराफ़ कर रहे थे कि हम फलाएँ चीज़ खाते हैं, फ्रूट भी अब खा लेते हैं, पहले ये हाल थे अब ये हाल था। अब कहते हैं कि हम पास इतनी ही मतलब होती है आमदनी कि हम अपना फ्रूट भी यूज कर करवा सकते हैं खुद भी और अपनी फैमिली को भी। बिल्कुल ऐसे ही वो यार, मैं कहता हूँ कि पीएम मोदी से जो अच्छा पीएम इंडिया में शायद ही कभी आए, बहुत मुश्किल, क्यों बहुत मुश्किल, क्योंकि होंगे बीजेपी के जो है ना जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त वो भी अच्छे हैं,
जो राजनाथ सिंह तो नहीं, सॉरी वो दूसरे पीएम जो यार ना, सॉरी सीएम जो है यार, योगी, योगी आदित्यनाथ हाँ वो भी हैं, लेकिन उन इनके लेवल के फिर भी मैं कहूंगा कि नहीं नहीं है। है, बिल्कुल पीएम मोदी की यार जो सोच है वो सोच ही अलग अलग है दूसरों फिर से। वो औरत एक वो जो महिला थी उन्होंने सवाल किया केरला के बारे में, मैंने कहा आप पहले मतलब पहले जो पीएम आए थे उन्होंने इतना तवज्जो नहीं थी केरला पर, लेकिन आज आप बड़ा उस पर फोकस करते हो। मैंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ केरला या दिल्ली या गुजरात ये मेरा नहीं कहीं, उन्होंने कहा कि मेरे सारे एरियाज पर मेरी नज़र होती है। वो कहते मैं 3 दिन बता रहे थे, फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये हफ्ते में मैं 3 दिन लोगों की विजिट करता हूँ। सबसे बड़ा लफ्ज उन्होंने बोला कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो वैसे अगर पीएम देखा जाए तो होता अवाम का कहने खादम होता, खादम ही होता है बिल्कुल, नौकर दूसरे लफ्ज में समझे खादम होता, खादम होता खिदमत गुजार होता बिल्कुल, असल होते वही पीएम जो लोगों के लिए खिदमतगार। आफ्ताब इकबाल कहा था पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, उन्होंने कहा पाकिस्तान के सारे पीएम सारे पॉलिटिशियन समेत हमारी आर्मी आकर अगर मुझे कह देना होगा एग्जाम्पल दो, मुझे आकर कह दें कि आप पीएम बन जाएं तो मैं फिर भी नहीं बोलूँगा क्यों, उन्होंने सबसे क्यों पहले बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पीएम जो शोभा बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, दूसरा कहा इनके फ्रैज बहुत है, फिर इंसान को अपनी ना जिंदगी अपनी रह जाती है, ना अपनी नींद रह जाती है, ना अपनी भूख रह जाती है, लोगों की भूख का फिर ख्याल होना चाहिए, फिर लोगों की नींद का ख्याल होना चाहिए, लोगों के आराम आसाइश का ख्याल होना चाहिए। बिल्कुल अगर समझे तो इस सौदे को तो है बिल्कुल, तो वही मोदी साहब ने कहा कि मैं तो एक खिदमत करके ये समझ कर रहा हूँ और होना भी ऐसे ही चाहिए। तो दोस्तों शानदार थी यार वीडियो जितनी हमने देखी, आगे अगर आप रिकमेंड करेंगे तो उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। मिलते नई वीडियो में दोस्तों नेटवर्क साथ, तब तक गॉड ब्लेस यू।